दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन लोगों ने बीएससी करने का प्लान बना लिया है। ठीक है, अपनी वीडियोस हमने डाली थी कि बीएससी करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, करियर काउंसलिंग सीरीज। ठीक है सर, आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस आपके बहुत काम में आया क्योंकि हमने भी बीएससी की थी और उसके बाद किस तरीके से चीजें आगे चली। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर एक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बीएससी करके कोई क्रांति लिख देंगे, तो बीएससी करके तो छोड़िए, आप कुछ भी करके क्रांति नहीं लिख सकते हैं। आपने उल्टी सीधी जगह से पॉलिटेक्निक कर लिया, कोई फायदा नहीं है। आपने उल्टी सीधी जगह से बीटेक कर लिया, कोई फायदा नहीं है। आपने उल्टी सीधी जगह से बीसीए, वैसे ही अगर आप सिर्फ बीएससी पे जिंदा हैं तो शायद कुछ फायदा नहीं होगा। बीएससी कई सारी होती है, कोई आईटी से करता है, ठीक है, कोई होम साइंस से करता है, बहुत सारी होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले नॉर्मल जो आप बीएससी करते हैं जेडबीसी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है, मैथ है तो आपके पास पीसीएम होगी, ठीक है सर। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप जेडबीसी लेंगे। तो अब यहां पर हम बताने क्या वाले हैं आपको। देखिए सर, आप ट्वेल्थ के बाद बीएससी में एडमिशन लेंगे, अब सेमेस्टर वाला सिस्टम हो गया, यानी टोटल 6 सेमेस्टर आपके होंगे। आपको एक बात यह ध्यान रखनी कि ट्वेल्थ के तुरंत बाद आप सिर्फ बीएससी पे जिंदा ना रहे। क्या मतलब है सर? अगर आपने सोचा हम सिर्फ 3 साल बीएससी करेंगे तो ये वो एक लंबा प्रोसेस है। बीएससी करने के बाद भी आपको या तो बीएड करना पड़ेगा या फिर बीएससी करने के बाद आप एमएससी के साथ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी अभी आपको करना क्या है, आपको बीएससी तो करनी है लेकिन उसके साथ में कोई चीज सीखनी है। क्या सीख सकते हैं आप? मान लिया आप में कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को ग्रो कर सकते हैं और उसके साथ जा सकते हैं। जैसे हमारे साथ के कई लोग हैं, मान लिया एक व्यक्ति था, जैसे हम ही हैं मान लिया, ठीक है, तो हमने साथ में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दी। जैसे हम ट्वेल्थ में थे हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आते आते मेरे समझ में आ गया कि एक्चुअल में एक टीचिंग का प्रोफेशन वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको लगता है हम 12वें वाले को नहीं पढ़ा पाएंगे, 10वें को नहीं पढ़ा पाएंगे, छोटे क्लास पढ़ाइए, एक कक्षा, एक दो तीन चार क्लास, छोटे क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमसे कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई बात नहीं सर, आज बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब सर। ठीक है, आप अपना एक यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात है किसी को शेयर नहीं करना। लोग कहते हैं सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती क्या, जब आप बताएंगे तभी तो बेइज्जती होगी। जिस दिन ग्रो होगा उस दिन दुनिया देख लेगी, क्या फर्क पड़ता है। कुछ आए ना आए, आपको सीख पाए ना सीख पाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप में म्यूजिक का टैलेंट है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर आप में कंप्यूटर का, तो आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कोई कर सकते हैं, साथ में घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट ठीक है तो घर पे कुछ इक्विपमेंट्स लेके आप और अच्छे से उसे आगे बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। यानी इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, मकसद यह है कि व्यक्ति 12th के बाद पहले बीएससी कर लेता है, फिर वो 3 साल बाद फिर वहीं आ जाता है जहां वो 12th के बाद था। हम ये नहीं कह रहे बीएससी बेकार है, बीएससी बहुत अच्छी है, हमने भी की है सर, और उसी की वजह से शायद हम यहां तक पहुंच पाए क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आपको साथ में कुछ सीखना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि बीएससी के बाद फिर आप सोचेंगे अब तो फिर आपने कहा चलिए एमएससी कर लेंगे, अब एमएससी करके फिर आपने कहा भाई चलो नेटेड क्वालिफाई कर लेंगे, मान लिया पीएचडी वगैरह की तरफ हम जाएंगे, फिर तो एक लंबा प्रोसेस लगेगा, 7 साल 8 साल 10 साल का, और तब तक क्या आप खाली बैठे रहेंगे? अगर जेब में एक भी रुपए नहीं होंगे घर वाले गालियां सुनाएंगे अलग, प्रेशर आएगा अलग, कभी अपने बर्थडे की पार्टी तक नहीं दे पाएंगे दोस्तों को, अगर दो दो समोसे खिलाने का भी मन होगा 5-5, 10-10 रुपए के। तो यानी ओवरऑल आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ बीएससी आप करिए बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप 12th के बाद करने जा रहे हैं तो कोई अगर नहीं है तो जनरेट करिए, और कोई टैलेंट है तो उसे ग्रो करिए, उसे दबने मत दीजिए। रह गई फैक्ट बताएं तो बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, 12th के बाद पढ़ाई लगभग ना के बराबर होती है। कितनी पढ़ाई करता है आदमी, मान लिया अगले महीने एग्जाम है तो आदमी क्या करता है, एग्जाम से 15-20 दिन पहले दिनेश ले आया, प्रखर ले आया, मॉडल पेपर आते हैं बहुत सारे, पढ़ना शुरू कर दिया, बना बना वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी बहुत जल्द आपको क्लासेस मिलने वाले हैं यहीं पे, ठीक है, जल्द सोमवार से साथ स्टार्ट हो जाए, तो वो ले आया मॉडल पेपर पढ़ लिए, वरना हमारे टाइप कोई चैनल पकड़ लिया आराम से 20-25 वीडियोस उन्होंने इकट्ठी करी देखी जाके पेपर दे आया जाके। यानी ओवरऑल बहुत आसान है बीएससी वगैरह में पास होना और आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप जरूर कुछ करें, नहीं आता तो सीखें क्योंकि वही आपके आगे काम में आने वाला, कोई भी डिग्री हो कोई भी, अगर वाकई में जैसे किसी ने पॉलिटेक्निक किया है अगर उसने कुछ सीखा ही नहीं है तो डिग्री नौकरी नहीं दिलवाएगी, बीटेक किया है कुछ सीखा ही नहीं है तो कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी जो आपको समझाना चाहते हैं। साथ में कुछ ना कुछ जरूर करिए, और आपके अंदर कौन सा टैलेंट है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।